नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करें। गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन ओ ऑफ एन टाइम। ठीक है, तो ओ ऑफ एन टाइम की हमें एल्गोरिथम बनानी है और हमें पता करना है लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स की कौन सी सीक्वेंस बन सकती है। एक बार इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल इनपुट है हमारा 100, 4, 200, 1, 3 और 2। तो इसमें से आंसर इसका आना चाहिए 4। क्यों? लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस क्या बन सकती है? 1, 2, 3, 4। तो देखो, सब एरे नहीं ढूंढना है, कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ढूंढनी है जो पॉसिबल है। देखो, 4 कहीं पर रखा हुआ है, 1 कहीं पर है, 3 कहीं और है और 2 कहीं और है। एक साथ नहीं रखे हुए एलिमेंट्स, लेकिन फिर भी हमारा आंसर 4 है। 1, 2, 3, 4 हमारी जो सीक्वेंस बन रही है उसी को हम लोग काउंट कर रहे हैं इसके अंदर। अगला एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे आंसर 9 आता है। तो अगर आप यहाँ पे ढूंढोगे तो 0 से लेके 8 तक सारे नंबर्स अवेलेबल हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये हो गए 9 नंबर्स और ये सारे अवेलेबल हैं हमारे एरे में सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर, और इसीलिए इसका हमारा आउटपुट आना चाहिए 9। तो देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक कैसे है और इसको ओ ऑफ एन तक कैसे हम लोग लेके जाएंगे। तो एक बेसिक सी अप्रोच आती है दिमाग में जब इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे कि सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट करने से काफ़ी ईजी हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, अगर हमारे पास वही कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जो वहाँ पर था। ठीक है, इस तरीके का एग्जाम्पल हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस निकालनी है। अगर हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं तो सारे जो नंबर्स हैं जो एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहे होंगे वो आसपास आ जाएंगे। ठीक है, एक लाइन में लग के आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ से शुरू करके चेक कर लो कितनी लंबी सीक्वेंस बन रही है और इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाओ। अगर ये कंसेक्यूटिव सीक्वेंस है, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ये कंसेक्यूटिव सीक्वेंस नहीं है तो 4 साइज की सीक्वेंस बन गई। अब वापस 2 से चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 से शुरू होती कोई भी सीक्वेंस 1 से शुरू होती सीक्वेंस से छोटी ही होगी। तो इसके आगे से ही आप शुरू कर सकते हो। 100 से आप 200 जाओगे, यहाँ पे सिर्फ 1 लेंथ की सीक्वेंस बन रही है और 200 पे भी आप देखो 1 लेंथ की सीक्वेंस ही बन रही है। ये अप्रोच कोड करना भी आसान है और सोचना भी काफ़ी इंटुइटिव है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें हमने कर दी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करते ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ चली जाती है हमारी, ओ ऑफ एन लॉग एन, और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमें अलाउड ही नहीं है। हमें कहाँ तक लेके जाना है इसको, इसको हमें लेके जाना है ओ ऑफ एन तक। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर लेंगे। ज़्यादातर क्या होगा, जो मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, या तो आपके पास ऑप्शन होगी एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर लो थोड़ा सा, या तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा लो। तो हर बार जैसे मैंने आपको बताया है, स्पेस एक थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा यूज करना चल जाता है, लेकिन टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूज करने से TLE एरर आपके आ जाएंगे। MLE एरर बहुत रेयरली आते हैं। अगर आप ओ ऑफ एन स्पेस ले भी लोगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा, ओ ऑफ एन स्पेस लेके कर लो। मेजरली आपको जब तक आप कंपेटिटिव कोडिंग कर रहे हो या प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी कर रहे हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखते हैं अप्रोच क्या होने वाला है हमारा। इसी एग्जाम्पल को फिर से लिखते हैं और इसको एक नए अप्रोच से सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 100, 4, 200, 1, 3 और 2। तो ये हो गया हमारा इनपुट एरे। हम क्या करेंगे, एक हैश सेट बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, हैश सेट बनाएंगे। ये मान लेते हैं हमारा हैश सेट है, उसका कुछ नाम दे देते हैं, HS हैश सेट। क्या करेंगे, सारे नंबर्स को इसके अंदर इनपुट करवा लेंगे। ध्यान से देखना, पहले 100 आ जाएगा, 4, 200, 1, 3 और 2। अब क्या करेंगे, हैश सेट में सारे नंबर्स इंसर्ट करवा दिए। तो स्टेप 1 क्या हो गया, इंसर्ट द गिवन एरे इनटू अ हैश सेट। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 हो गया हमारे एल्गोरिथम में जो हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, हम लोग एक बार फिर से आइटरेट करेंगे इस एरे को और क्या करेंगे, 100 आ गया हमारे पास। अब देखेंगे कि 101, 102 कितने आगे तक नंबर्स हमारे पास इस हैश सेट में अवेलेबल है। तो 100 आ गया, अब देखेंगे 101 अवेलेबल है, नहीं है, तो सिर्फ 1 साइज का हमारा बना कंसेक्यूटिव सीक्वेंस। फिर हमारे पास आया 4, क्या 4 के बाद 5 अवेलेबल है, नहीं है,
तो यहाँ पर भी सिर्फ वन साइज का हमारा बना कंजर्केटिव सीक्वेंस। 200 पे आ जाते हैं, 201 भी अवेलेबल नहीं है हमारे हैश सेट के अंदर, तो फिर से वन साइज का ही बना। वन पे देख लेते हैं, वन से देखो वन के बाद टू अवेलेबल है, फिर थ्री अवेलेबल है और फिर फोर भी अवेलेबल है। तो वन से स्टार्ट होता हुआ फोर साइज का कंजर्केटिव सीक्वेंस हमारा बन गया है। फिर थ्री से स्टार्ट होता हुआ थ्री और फोर अवेलेबल है तो टू साइज का, और टू से स्टार्ट होता हुआ क्या बनेगा, टू थ्री और फोर, मतलब थ्री साइज का कंजर्केटिव सीक्वेंस आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, एक चीज़ बहुत रिडंडेंट हम लोग कर रहे हैं, जब हम वन से टू को भी कंसिडर कर ले रहे हैं, थ्री को भी कर ले रहे हैं और फोर को भी कर ले रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि टू से स्टार्ट होता हुआ सीक्वेंस ज़्यादा बड़ा हो एज कम्पेयर टू वन से स्टार्ट होता हुआ? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो और इसमें एक प्रॉब्लम और आ जाएगी, देखो अगर हमारे कुछ इस तरीके का एरे होता, ठीक है, तो वन से क्या करते हैं, हम वन चेक करते, टू चेक करते, थ्री चेक करते, फोर चेक करते, फाइव चेक करते और फिर सिक्स चेक करते, ठीक है, तो यहाँ पे सिक्स चेक हो जाते। अगले नंबर से क्या करते, फिर टू से फिर थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ पे फाइव चेक्स हो जाते। फिर थ्री से कितनी बार चेक करना पड़ता, थ्री चेक करना पड़ता, फोर फाइव और सिक्स, तो यहाँ पर भी फोर चेक्स हो जाते एंड सो ऑन। अब फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ आइट्रेशन के मामले में। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, एन एन प्लस वन बाय टू, मतलब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाता है ये, ठीक है। अगर यही सिर्फ अप्रोच लगाएंगे तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा ये चेकिंग वाली अप्रोच जो हम लगा रहे हैं वर्स्ट केस के अंदर। तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई नंबर चेक कर रहे हैं उससे प्रीवियस नंबर चेक कर लेंगे कि क्या वो भी अवेलेबल है। तो देखो लॉजिक सिर्फ इतना सा ही है, अगर हमारे पास वन और टू दोनों ही नंबर्स एरे में प्रेजेंट हैं तो जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस वन से शुरू होती होगी वो ज़्यादा लंबी होगी एज कम्पेयर टू टू, ठीक है। तो अगर उससे पिछला नंबर, अगर हम टू पर हैं और वन अवेलेबल है, तो हम लोग टू से चेक करने नहीं वाले हैं, क्योंकि जब भी हम वन से चेक हमने करा तभी हमें लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस मिल गया है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस हमें वन से मिल गया है, ना कि टू से मिलेगा। तो हर नंबर के लिए आप चेक कर लोगे कि क्या उससे कम वाला अवेलेबल है ऑलरेडी या नहीं है अवेलेबल। अगर आप ये एडिट स्टेप लगा देते हो तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होके हो जाएगा ओ ऑफ एन। तो ये स्टेप लगाने ध्यान से लगा लेना, इसको ना लगाने से आपका हो जाएगा ओ ऑफ एन स्क्वायर, ये आपका सॉर्टिंग से भी बुरा हो जाएगा एल्गोरिथम, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसको सॉल्व करना कैसे है। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इंसर्ट द गिवन एरे इनटू अ हैश सेट। सेकंड हमें क्या करना है, आइटरेट करना है एरे को, आइटरेट द एरे और सिंपली चेक करना है एंड चेक फॉर लॉन्गेस्ट सीक्वेंस। ठीक है, ज्यादा स्टेप्स है नहीं, इसको कोड करके देख लेते हैं कि कोडिंग वाइज हम लोग क्या करेंगे। थ्योरेटिकली हम लोग इतना ही करेंगे जितना भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहां पर आ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक हैश सेट। हैश सेट में डालेंगे इंटीजर्स, इसका नाम रख लेते हैं एच एस, न्यू हैश सेट। तो ये बन गया हमारा हैश सेट। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था एल्गोरिथम में, एरे के अंदर नम्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हैश सेट में डाल देते हैं। तो इस स्टेप के अंदर लेंगे ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसको परफॉर्म कर लेते हैं। आप ये जो मैं लूप लगा रहा हूँ इंडेक्स यूज करके लगा रहा हूँ, आप फॉर ईच लूप का भी यूज कर सकते हो। हैश सेट के अंदर अगर कोई वैल्यू ऐड करनी होती है तो ऐड फंक्शन के थ्रू हम लोग वैल्यूज ऐड करते हैं, तो उसमें ऐड कर देते हैं नम्स ऑफ आई, ठीक है। अब हैश सेट के अंदर सारी वैल्यूज जो हमारे नम्स एरे के अंदर है हमने डाल दी है। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से आइटरेट करना है हमारे नम्स एरे को। उससे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं आंसर। आंसर में बेसिकली हम लोग लॉन्गेस्ट कंजर्केटिव सब सीक्वेंस का, लॉन्गेस्ट कंजर्केटिव सीक्वेंस का साइज स्टोर करते चले जाएंगे, ठीक है, जिससे लास्ट में उसका मैक्सिमम निकल के हमारे पास आ जाए। क्लियर है इतना, आई होप इतना क्लियर हो गया हो आप लोगों को। तो आगे चलते हैं, फिर से आइटरेट करेंगे हमारे एरे को।
ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक काउंट ले लेना है जीरो, जहां पे हम काउंट करेंगे करंट नंबर से स्टार्ट होते हुए, अगर हम करंट नंबर से स्टार्ट करते हैं तो कितने हमारे पास कंजेक्यूटिव नंबर्स अवेलेबल है। तो वो कैसे करेंगे, देखो एक इंटीजर जे ले लेंगे, नम्स ऑफ आई, तो इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करा ली है जे के अंदर करंट वैल्यू। अब जब तक एच एस डॉट कंटेन्स जे, जब तक जे की वैल्यू हमारे हैश सेट के अंदर मिलती रहेगी, तब तक हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू को बढ़ा देंगे और काउंट की वैल्यू को भी बढ़ा देंगे। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि कितने हमारे नंबर्स कंसेक्यूटिवली अवेलेबल हैं वो पता कर रहे हैं। तो जब तक जे की वैल्यू बढ़ रही है तब तक हम बढ़ाते जाएंगे, जब तक हमारा जे जो है, जो नई वैल्यू जे की आ रही है वो हैश सेट के अंदर अवेलेबल है, और हमारे साथ साथ काउंट को भी बढ़ाते जा रहे हैं। अब हमने जो चेक करने वाला स्टेप था वो उसमें डाल देंगे। चेक क्या करना था कि अगर इससे प्रीवियस नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है हैश सेट में, तो इस नंबर को हम लोग इग्नोर कर देंगे, मतलब कंटिन्यू कर जाएंगे नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ। तो देखो, अगर एच एस डॉट कंटेन्स जे माइनस वन, मतलब जे से एक कम नंबर अगर ऑलरेडी अवेलेबल है हैश सेट में, तो कंटिन्यू कर जाएंगे नेक्स्ट आइट्रेशन पे चले जाएंगे, अगला नंबर चेक करेंगे। जब ये लूप हमारा खत्म हो जाएगा, वाइल लूप, तो हम क्या करेंगे, आंसर के अंदर हमें मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करना है। तो आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स आंसर कॉमा काउंट। तो काउंट और आंसर में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो आंसर के अंदर हमने स्टोर कर ली है। जहाँ ये फॉर लूप खत्म हो रहा है, हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर। एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो देखो, हमारे विजिबल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। एक बार इसको सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो गए हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत क्लियर हो गया हो। ये काफी आपके कंपनीज के अंदर प्रीवियसली आया हुआ क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेंगे तो काफी चांसेस हैं कि आपको दोबारा कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हुए बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन ना भी हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको ध्यान से कर लेना।